शांति, आज 20 जून 2022 की साकार मुरली है। ज्ञान के सागर, परमपिता परमात्मा, मीठे मीठे बाबा, हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। हो गया है ना हम सभी को कि देह सहित जो भी कुछ दिखाई देता है इसे भूलना है और एक बाप को याद करना है। नहीं, हाँ जी बाबा, आज का प्रश्न है, सतयुग में राजपद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा उत्तर देते हैं, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत न हो। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरी पॉइंट है, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। ऐसा नहीं कि देवी देवता बनेंगे फिर रोना बंद करेंगे, यहाँ से ही वो संस्कार लेके चलने हैं ना हमें। किसी देहधारी की याद में शोक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी की याद बिल्कुल न सताए, बिल्कुल न आए, शरीर छूटे तो भी हमारा यही अभ्यास हो कि बाबा ही याद हो। क्योंकि जब शरीर छूटते वक्त अगर कोई देहधारी याद आ गया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो अंत की जो हमारी पेपर की घड़ी होगी ना, वो उस 1 सेकंड की ही होगी। जब आत्मा इस तन से निकलेगी तब उस समय मोस्ट वैल्यूएबल समय है कि उस समय कौन याद आता है। अटेंशन रखेंगे ना सभी, इसीलिए बहुत काल का अभ्यास बार बार बाबा को याद करने का बढ़ाते जाना है। आज का गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी, अर्थात ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो, वाह ये भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, जो ओरिजिनली वही स्वरूप की है तो ढूंढने की क्या आवश्यकता ना। तो कहें कि आत्मा तो शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है, शांति तो वहां मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चले जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना है। शांत कैसे रहेंगे, काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया है, सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः। परमपिता उनको ही कहा जाता है। वह तो है निराकार। उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है, बाबा की तरफ है ना बुद्धि योग हमारा। हाथ ऊपर करे, चेक करे। मनुष्य तो देह अभिमानी है, देह अभिमान में रहने की आदत पड़ चुकी है ना द्वापर युग से। उनका योग बाप तरफ नहीं, बाप को पहचानते ही नहीं तो योग कहाँ से होगा बाप तरफ। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है। गाते भी है ब्रह्मा देवताए नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे
कि ब्रह्मा परमात्माय नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे, उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है, ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, पीके को भी कहते हैं माम एकम याद करो, देह का अभिमान छोड़ दो, यह ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब शरीर जर्जरीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है, छोटे बच्चे को भी देखो रोग लगे हैं। सत्युग में कहा वानप्रस्थ अवस्था में भी रोग नहीं होगा, कितना अंतर है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सत्युग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। अभी ही हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है, 21 जन्म देवाला मार ही नहीं सकते, यहीं इंश्योर हो जाते हैं। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया है, गाते भी है परमपिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में है, यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है माम एकम याद करो, तुम भी निराकार हो हम भी निराकार है, माम एकम याद करना है और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धियोग हटाना है। देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है, फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुखधाम को याद करो। फल सत्युग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सत्युग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहां माया ही नहीं। यह तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होते हैं ना कॉन्टिनेंट्स, वहां पर हाँ, क्योंकि जब सूर्य के विपरीत दिशा में होगा वो नॉर्थ पोल, तो वहां 6 मास रात होगी, और सूर्य के सम्मुख होगा तो दिन होगा 6 मास, वैसे ही वाइस वर्सा है। एंटार्क्टिका आदि पोल्स पर आते हैं ना, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती है। यहाँ पे बाबा जो हमें शास्त्रों की बात का कह रहे वो है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, जो कि शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते, वहां उनको यह ज्ञान ही नहीं। देखो एक एक महावाक्य बाबा का कितना ज्ञान युक्त है, क्योंकि सत्युग में विष्णु को ज्ञान नहीं है, इसलिए विष्णु का दिन और विष्णु की रात नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है, शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं
हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वह तो निवृत्ति मार्ग वाले है। वह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते, वह तो कहते स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सत्युग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं ना बाबा सभी को। हाँ जी बाबा, कहते हैं अच्छे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पार्ट ज्ञान देने का है, इस समय ही इमर्ज होता है। बाबा का भी ज्ञान देने का पार्ट संगम युग में इमर्ज होता है ना। बाप अपना परिचय देते हैं, भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है, उस समय सारा रसम रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। रामानुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बना हुआ हूँ, उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो पार्ट ड्रामा में जब नोंद हुआ है वह उसी समय बजता है, इसमें संशय की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं भी पार्ट में बंधा हुआ हूँ, अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता, लक्ष्मी नारायण को यहाँ यह ज्ञान है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान ही नहीं है ना, अगर ज्ञान होगा तो ये पता चलेगा उनको क्या, वो वाम मार्ग में जाने वाले हैं, सुख की परसेंटेज में कमी हो जाएगी, ड्रामा में नोंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे, उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है, सृष्टि का चक्र है, उन्होंने चरखा बता दिया है सिंबल में। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रलब्ध मिलती है, वो चरखा से पेट पूजा होती है। और ये जो सुदर्शन चक्र अभी हम संगम युग पे फिराते हैं, 21 जन्म प्रलब्ध होते हैं। यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, समझ रहे हैं ना सभी, हाथ ऊपर करे, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है, वह संगम के है तो मनुष्य ही ना, संगम में मनुष्य, और वो सत्युग में, लक्ष्मी नारायण सत्युग में और जगत पिता संगम में। भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं, ब्रह्मा को भी दो भुजा है, मार्ग में चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी है, अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए, लॉजिकली बाबा कह रहे हैं, ऐसे तो होता नहीं है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 देनी चाहिए, यह सब है गुड्डियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं है। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं, बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से कामचिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञानचिता का हथियाला बांधने से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है, वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं, रोने आदि की बात ही नहीं रहती। यहाँ
बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे, कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे, फिर तो भगवान को भी दोष देने में देरी नहीं करते, दुख धाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है, भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉडफादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद कैसे पड़े, किसको भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है, अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो, बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, हम एक्टर है। यह सृष्टि चक्र के 4 भाग है, इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियां है वह सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो, ले रहे हैं ना ज्ञान के सागर शिव बाबा से हम वर्षा। कहे हाँ जी बाबा, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा, कल्प कल्प हमने ही तो लिया है ना। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो, कल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो, फिर टाइम या ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाते जाना है। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई भी याद न रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है, तुमको तो अज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो न सके, उनमें तो यह ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश होती नहीं, उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। बाबा कहते हैं इम्पेरिशेबल ड्रामा है, इम्पेरिशेबल, पेरिशेबल माना विनाश होने वाला, इम्पेरिशेबल माना कभी समाप्त नहीं होता, ये ड्रामा इम्पेरिशेबल है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, यह चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉडफादर इज वन, सत्युग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं, गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है ना, लोग समझते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है, गीता में है भगवान उवाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबकी सबको सदगति मिलती है। बाप सबका दुखहरता सुख करता है, भारत सबका तीर्थ स्थान है, सदगति बाप द्वारा ही मिलती है, यह उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं, अभी यह गौरव नरक है। अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो,
भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा, एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। बाबा बंद करा देते हैं ना 21 जन्मों के लिए रोना, फिर रोता तो नहीं है ना अभी बाबा। बाबा पक्का करा रहे थे किसी का थोड़ा बहुत भी रोने का, चलो बाह्य रूप से नहीं भी रोते, अंदर में दुखी होना भी तो रोना है ना, तो अंदर से मायूस भी लो, सदा खुशहाल। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शोक आ जाए या शौक आ जाए, किसी की याद रहे, किसी को याद कर रहे आप उसी समय शौक आ जाए, शौक मीन्स हार्ट अटैक, और हम मर जाए तो दुर्गति हो जाए ना, कि हमने कोई प्लान नहीं किया था कि अटैक आएगा हमें, और उसकी याद आई और अनायास ही हार्ट अटैक आ गया और प्राण तन से निकल गए, आत्मा निकल गई, अंतमति तो हो गई ना दुर्गति, क्योंकि वो आत्मा याद थी और उसी समय शौक आया और शरीर छूटा। तो अटेंशन प्लीज, तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना, हार्ट फेल भी हो जाते हैं, तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। तो आज बाबा ने एक बात पक्की कराई, उठते बैठते क्यों याद करना है, क्यों याद करने का अभ्यास बार बार करना है, कि हार्ट फेल हुआ उस समय यदि किसी देहधारी की याद रही तो आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। तो यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है अमृत वेला, इसीलिए हम मुरली भी और योग भी संगठन, मुरली भी जो सुनते हैं तो भी संगठन में करते हैं, और अमृत वेला मेडिटेशन भी संगठन में करते हैं, ताकि सहयोग मिले संगठन का, वाइब्रेशन का, सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए स्थैर्यम रहना है, देह का भान न रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नोंद जाती है, तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, आज पक्का कर लो, रोती तो विधवाएं हैं, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है, कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तो बाबा कहते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे वह कैसे वर सकेंगे, बहुत मेहनत चाहिए, बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हैं हम। राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जरूर कहना पड़ेगा वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है, लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे, फिर वो खुद ही लिखेंगे ना, तो कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो या सुनाने, सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार है ना, वह कब आकर साकार में नहीं आता है। अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध, वह है साकारी, शिव बाबा है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, इनसे हम राजा ही पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है,
याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं। दूसरी पॉइंट है अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है ना। हमारी एक आंख में शांति धाम और दूसरे आंख में सुख धाम है। हाँ जी बाबा, आज का मीठा वरदान है निर्माणता द्वारा सर्व निर्माण, निर्माणता अर्थात के अभिमान का अपोजिट निर्माण, जो बिल्कुल नम्र है। तो निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, जितना निर्माण होंगे उतना नव निर्माण कर सकेंगे। तो निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव, इसका विश्लेषण है। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकेंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। जो अभिमान वाले होंगे उनको अपमान की भी फीलिंग होगी तो निराश भी हो जाएंगे। बाबा ये दोनों से मुक्त करते हैं, कैसे? एक का निर्माण बनने से और दूसरा नव निर्माण करने से, अपने नए आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उनको जागृत करना है और दैवी संस्कारों का निर्माण करना है अपने अंदर। अच्छा, आज का स्लोगन है विश्व सेवा के तख्तनशीन बनो तो राज्य तख्तनशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्तनशीन बनो तो राज्य तख्तनशीन बन जाएंगे। आज का हमारा स्वमान है लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं निर्माण आत्मा हूँ, अभिमान से मुक्त निर्माण, मैं निर्माण आत्मा हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए साइलेंस में शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए।
परसों मिलेंगे रत्विला 4 बजे योग भोग पानी चार्जिंग के लिए, और रात्रि क्लास में 8:45 बजे जैसे कि कहा 22 तारीख तक हमारा रात्रि क्लास मुरली पर रहेगा। इन एडवांस अगले दिन की मुरली रात को सुनेंगे। 23 तारीख को लाइव जब अमृतवेला मेडिटेशन 3:30 बजे होगा, पूर्व की तरह ही 23 तारीख से अमृतवेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4 से 4:30 मुरली होगी। 22 तारीख तक ऐसे ही रात्रि क्लास में मुरली चलेगी। फिर 22 तारीख से जो है ना जो दादी जी के क्लासेस हम सुनते आ रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओम।